नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं फिल्म मन मर्जियां की। अनुराग कश्यप की डायरेक्शन में बनी ये फिल्म आज रिलीज हुई है और ये काफी ज्यादा चर्चा में रही है फिल्म अपनी लव स्टोरी की वजह से। जो इसमें लव स्टोरी का जो एंगल है, जो रिलेशनशिप की जो ताना बाना है, जो गुंझल जो दिखाए गए हैं रिलेशनशिप, प्यार के रिलेशनशिप के, वो इस फिल्म में दिखाई देते हैं। इसमें कलाकार अभिषेक बच्चन, तापसी पन्नू और विक्की कौशल है। फिल्म ज्यादातर तापसी पन्नू के इर्द गिर्द ही घूमती है, वही है प्रोटैगोनिस्ट इस फिल्म की, मगर बाकी के कलाकार भी इस फिल्म में बहुत ज्यादा अपना योगदान रखते हैं। डायरेक्टर तो खैर है ही। तो बात करते हैं कहानी की। तो कहानी जो है एक ऐसे करैक्टर की है जो कि एक लड़की है और उसका नाम है रूमी, और वो अपने इस बोल्डनेस के लिए पॉपुलर है कि रूमी को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, रूमी डिसीजन बहुत जल्दी लेती है और रूमी का जो दिल करता है वो करती है। जबकि इस नाम के आपने शायद सुना होगा, सूफी पोइट रहे हैं पर्शियन पोइट रूमी, उनको इस नाम से जाना जाता था। उनके नाम से जब भी कोई रूमी बोलता था तो उन्हीं का नाम जहन में आता था। उसके बाद इस फिल्म में तापसी पन्नू को, इस करेक्टर को यह नाम दिया गया है, जबकि फिल्म पंजाबी बैकग्राउंड के ऊपर है। और सबसे बड़ी बात कि पंजाबी लोगों में, जैसे सरदार लोगों में, ऐसा नाम कम ही सुनने को मिलता है। फिर भी ये उनका टेक है, ये नाम रखा है। तो मगर इस नाम की, इस पॉइंट की अगर हम सोचे, एक भी क्वालिटी रूमी में नहीं है। बहुत ही बिंदास करेक्टर दिखाया है रूमी का। कहीं ना कहीं ये भी पता चलता है कि रूमी लव और लस्ट के लिए कुछ भी कर सकती है, मतलब कहीं भी किसी भी हद तक जा सकती है। तो ये भी इस फिल्म में समझ में आता है। तो रूमी जो है एक विक्की कौशल, जिसका नाम भी विक्की है, उससे प्यार करती है और प्यार की हर हद वो पार कर चुकी है। शरीर की या किसी भी चीज की हद उसने पार की हुई है। और वो जो लड़का है जो विक्की का करेक्टर कर रहा है, विक्की कौशल, वो अपनी छत, काफी सारी छत लांग कर उसको मिलने के लिए आता है। फिर उसी के कमरे में वो लोग अपना सेक्स करते हैं, अपने जो लस्ट है, अपना जो प्यार जिसको वो बोलते हैं, उसकी भड़ास पूरी वो निकालते हैं। और उसकी जो बहन है रूमी की, वो दरवाजे के बाहर पहरेदारी करती है। तो ये उनका लव का एक्सट्रीम दिखाया है दोनों करेक्टर्स का, जो कि काफी ज्यादा मतलब बोल्ड दिखाया है इस फिल्म में। हालांकि सीन्स इतने बोल्ड नहीं है, मगर जो उसकी फील आती है वो बड़ी बोल्ड आती है कि आखिर ऐसा क्या है। तो उसके बीच में एक डायलॉग इसका ऐसा भी आता है जो तापसी पन्नू रूमी के कैरेक्टर में बोलती है कि वो पहले भी एक बटाला के लड़के के साथ कर चुकी है और उसमें अबॉर्ट करवा चुकी है। मतलब इससे विक्की कौशल से पहले भी वो अपना जो अपना शारीरिक जो सुख है वो ले चुकी है किसी पहले बॉयफ्रेंड के साथ। तो ये कुछ इस तरह से रूमी का करेक्टर इस फिल्म में दिखाया है, मगर बड़ी बोल्ड है, साफ दिल की है और अपनी बात मुंह पे कहती है, डिसीजन फास्ट लेती है। और इसके साथ विक्की कौशल का प्यार होता है, फिर शादी की बात चलती है, पकड़े जाते हैं ऑन स्पॉट विक्की कौशल और तापसी पन्नू अपने ही कमरे में। तो घर वाले शादी करने की बात करते हैं, शादी के एंगल में फिर अभिषेक बच्चन एंटर होते हैं, जो कि बहुत काम है, बहुत ही सुलझे हुए इंसान है। और वो शादी क्यों करते हैं ये कुछ ज्यादा समझ में बात आती नहीं है। लव एट फर्स्ट साइड जरूर समझ में आता है कि पहली ही नजर में उसकी फोटो देख के उनको प्यार होता है, जबकि उनको सब कुछ पता है कि पहले इसका प्यार रह चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो फिर भी वो उसे शादी करते हैं। क्यों करते हैं कुछ ज्यादा समझ में नहीं आती है वजह, मगर हम इसको लव एट फर्स्ट साइड का नाम देते हैं। तो ऐसा कुछ कहानी, कॉम्प्लेक्स सी कहानी बनती है रिलेशनशिप के ऊपर, प्यार के ऊपर। ज्यादा कहानी की बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको फिल्म देखनी चाहिए, फिल्म अच्छी है। तो अगर फिल्म को फिल्म की तरह देखें तो फिल्म इज वेरी गुड, मगर अगर हम इसको सोचें कोई मैसेज ओरिएंटेड फिल्म है तो इसमें कुछ ऐसा दिखता नहीं है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो अनुराग कश्यप बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस फिल्म को भी बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया है। और फिल्म सीन टू सीन जो है करेक्टर्स के साथ साथ हम लोग बहते हैं, हम चलते हैं, चाहे वो करेक्टर हमें लगता है कि रियल लाइफ में ऐसे करेक्टर कम देखने को मिलते हैं, मगर फिर भी हम उनकी स्टोरी के साथ 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 में चलते हैं। तो डायरेक्शन बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं स्टोरी की। तो स्टोरी जो है कनिका ढिल्लन जो नॉवलिस्ट है उन्होंने लिखी है, और उन्होंने इस फिल्म को जो डेडिकेट किया है वो महान पोएटेस अमृता प्रीतम को डेडिकेट किया है। बीच में उनके एक पोएम को भी यूज किया है। तो ये जो फिल्म की जो मैंने कहानी की बात की, डायरेक्शन की बात की और स्टोरी जो जिन्होंने लिखी उनकी बात की, क्योंकि उसमें अमृता जी का नाम है इसलिए बात करना जरूरी हो गया। तो अब बात करते हैं कि कहानी में आखिर ये रियलिस्टिक टच जो दिए हैं, लोकेशन बहुत अच्छी लगी है कहानी में अमृतसर की और गलियों की, वो सब फील उन्होंने दिया है। मगर मेरा सिर्फ सवाल जो है अनुराग कश्यप से सिर्फ इतना है,
कि जो उन्होंने कहानी के थ्रू पंजाब को दिखाने की कोशिश की है, क्या वाकई उन्होंने ऐसा पंजाब देखा है? जबकि पंजाब के बारे में जो अभी तक हम लोग सुनते आ रहे हैं कि अगर ऐसे कुछ सीन्स हो जाते हैं फैमिली में, है ना, कि अगर कोई लड़का लड़की घर के अंदर ही पकड़े जाते हैं एक ऐसी बोलते हैं जिसको कि जिसको पेरेंट्स देख नहीं सकते अपने बच्चों को, अपनी बेटी को खास करके ऐसे किसी लड़के के साथ कमरे में मतलब पकड़े जाते हैं और फिर वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। और यहाँ पे जो जो कहानी में दिखाया गया है उसमें यह कि वो उस सिचुएशन को बहुत ही मैच्योरिटी के साथ हैंडल करने की कोशिश की जाती है, लड़की को फिर भी फ्रीडम दी जाती है। उसकी जो चाची है वो देखती है कि लड़का लड़की को अपनी गोदी में उठा के लेके जा रहा है, वो परछाई के पीछे भागती है और फिर पकड़ लेती है कि ये जो अंदर जो है इनका कुछ कांड चल रहा है, और वो सारे घर वालों को इकट्ठा कर लेती है। रिजल्ट कुछ नहीं होता, रिजल्ट लड़के को चुपचाप घर भेज देते हैं और बाद में बोलते हैं कि लड़की की शादी कर देते हैं। जबकि पंजाब में अगर ऐसा पकड़े जाते हैं तो कहानी कुछ और ही होती है। आप सब लोग जानते हैं कि पंजाब के लोग कितने गर्म खून के होते हैं। आजकल खून ऐसा हो गया हो तो हमें शायद इस बारे में पता नहीं है, अनुराग जी को ज्यादा पता होगा। और फिर बात करते हैं जब शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद जब नई नवेली दुल्हन शराब के दो तीन पैग लगा के छत के ऊपर चिल्लाती है अपने दूल्हे के साथ और लोगों को बुलाते हैं कि जागो, अलग अलग फिल्मों के डायलॉग्स बोलते हैं, तो क्या आपने कभी ऐसा, मैं मुझे लगता पंजाब क्या कहीं भी किसी भी गली मोहल्ले में खास करके ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि बाहर गली मोहल्ले वाले उस चीज को, मतलब चाहे कल को उस चीज के अगेंस्ट बात करें मगर उस टाइम पे उस चीज को एंजॉय जरूर करते हैं कि वाह वाह देखो जी फलाने की बहू कैसे क्या रंग दिखा रही है या क्या कर रही है। वो जो मोहल्ले की जो फील थी वो कहीं पे मिस हो गई, वो कहीं पे दिखी नहीं। सिर्फ एक उनकी अपनी ही मदर बाहर आती है और उनको हेलो हाई करके वो अंदर चली जाती है, वो भी छत पे जाके उन लोगों को रोकती नहीं है। और फादर का भी यही रिएक्शन है कि बच्चे मस्ती कर रहे हैं, तो ये मस्ती हमने कभी देखी नहीं है पंजाब में। अगर देखी भी है तो उस मस्ती के जो रिजल्ट्स होते हैं वो कुछ और ही होते हैं। गली मोहल्ले में बातें होती हैं, रात को जो ऐसे लोग चिल्लाते हैं, नीचे लोग इकट्ठे भी होते हैं कि आखिर माजरा क्या है कि क्यों ये नई नवेली बहुत चिल्ला रही है। तो पंजाब की बैकग्राउंड के साथ रिलेट जरूर किया इस स्टोरी को, मगर वो पंजाब की जो टिपिकल जो मोहल्ला फीलिंग है वो कहीं ना कहीं मिस कर गए हैं अनुराग कश्यप, क्योंकि ये जो चीजें जो पंजाब की उन्होंने दिखाई है ये पंजाब में कम ही देखने को मिलती है। हाँ, अगर मैं ये बात करूं कि अगर मैं सिर्फ फिल्म को फिल्म की तरह देखूं, हाँ एक फिल्म है, लव स्टोरी के ऊपर है, तीन लोगों के बीच में एक सुलझा हुआ इंसान है, दो बेवकूफ लोग हैं जो सिर्फ लव और लस्ट के पीछे भागते हैं, उनको सिर्फ और कुछ समझ में नहीं आता है। लड़की को कभी कभी समझ में आता है तो वो उससे तोड़ देती है, फिर जोड़ लेती है इमोशनल होकर, फिर ऐसा होता। तो ये ऐसा कुछ देख के चलो तो फिर भी चलो ये फिल्म है, चलो ठीक है। तो जब मैं पंजाब को लेकर सोचती हूँ, जब मैं अमृतसर को लेकर सोचती हूँ, तो ये चीजें थोड़ी हजम करना मुश्किल हो जाती है दोस्तों। तो ये जो फिल्म में दिखाया गया है ये मुझे थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि जैसे जो उन्होंने कास्ट यूज की है फिल्म में कि बग्गाज हैं, संधूज हैं, तो ये बड़ी खास कास्ट हैं सिंह लोगों में, सरदार लोगों में, जो अपनी घर की इज्जत के लिए कुछ भी कर जाते हैं। और यहाँ पे गली मोहल्ले में भी यही बातें होती है कि वो ऐसा है वैसा है, लड़की लड़की को उसके साथ चक्कर था, ऐसा हो गया तो वो सब खत्म हो गया। तो ऐसी कुछ बातें होती हैं जो कि एक्चुअली होती नहीं है, बातें कुछ और ही होती हैं। और लड़के की मदर को जब पता है कि ये लड़की ऐसी है तो वो अगर टिपिकल पंजाब की सास होगी जो कि दिखाई भी है तो वो जरूर उस लड़की को करेक्टरलेस ही कहेगी, वो उसको कुछ खास दर्जा नहीं देगी जो इस फिल्म में दिखाया है कि वो फिर भी झेलती है, फिर भी अपने बेटे को बेटे के साथ रहती है, चल तू कर ले तेरी मर्जी है टाइप, वैसा टाइप कुछ करती है। मगर ऐसा होता नहीं है। जब अगर उनके पेरेंट्स को ये पता है, जैसे कि फिल्म में दिखाया है कि अभिषेक बच्चन बोलते हैं कि अगर इन दोनों को, रूमी को भी नहीं पता है कि वो अपनी लाइफ के साथ क्या कर रही है और विक्की को भी नहीं पता कि वो अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा है, मगर उनके पेरेंट्स को तो पता है, तो सेम उनके घर में भी है कि अगर अभिषेक बच्चन को यानी कि रोबी को नहीं पता कि वो अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा है तो उसके पेरेंट्स को भी तो उसे समझाना चाहिए था ना। तो ये जो चीजें हैं वो थोड़ा सा फिल्म में थोड़ा लैक करती हैं। बाकी फिल्म देखने में अच्छी लगती है, फिल्म अच्छे से बुनी गई है। सबसे बड़ी बात यह कि तापसी पन्नू क्योंकि बहुत ही निखर रही है डे बाय डे अपनी कलाकारी में, अपनी अदाकारी में, बहुत ही अच्छी लगती है फिल्म में। बहुत ही तरीके से उन्होंने अपने कैरेक्टर को एब्जॉर्व किया है और बहुत ही तरीके से उन्होंने उसको पोर्ट्रेट किया है, और डायरेक्टर का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। बाकी बात रही विक्की कौशल की, उनको इसमें कुछ डिफरेंट करने को मिला है क्योंकि वो
अब जैसे हर बार उनकी नई फिल्म में नई तरीके का किरदार होता है और वो उस किरदार में घुस जाते हैं, जम जाते हैं। इसमें भी कुछ ऐसा ही है, एक डीजे का किरदार करना और वो भी एक ऐसी लुक लेना जो आजकल जो चल रहा है पंजाब का ट्रेंड चल रहा है कि हर जो दूसरा तीसरा यूथ है अपने बड़े बड़े टैटूज बना लेते हैं और फिर ऐसे बाल ऐसे बना लेते हैं, तो वो सब चीजें इसमें विक्की के कैरेक्टर में यूज किया और विक्की ने उसको कैरी भी बहुत अच्छे से किया है। तो बाकी अभिषेक बच्चन जिनको राम का भी दर्जा दिया गया है इस फिल्म में कि राम का सेकंड पार्ट, कि राम भी कभी कभी अपने कैरेक्टर से बाहर आ जाते हैं, ऐसा कुछ इसमें बोला गया है, तो ये सब चीजें जो है अच्छी लग रही है फिल्म में। बाकी अगर मैं अदाकार की बात कहूं तो तापसी पन्नू सबसे अच्छी इसमें परफॉर्म किए, दूसरे नंबर पे आते हैं विक्की कौशल और तीसरे पे आते हैं अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन क्यों, इसलिए क्योंकि उनके पास कुछ ज्यादा कुछ करने को था नहीं, उनके करेक्टर जो जैसे है वो वैसा ही फिल्म में उनका करेक्टर है, एक मेच्योर यंग मैन जो कि पहले सब कुछ कर चुके हैं मगर अब वो लाइफ को आगे लेके जाना चाहते हैं एक अच्छे पार्टनर के साथ, तो ऐसा कुछ चीजें इस फिल्म में दिखाई गई है और करेक्टर्स ने बहुत अच्छा प्ले किया है। तो स्टोरी अच्छी है और मगर सिर्फ एक चीज से चूक गए कि उनको जो पंजाब के साथ जो उन्होंने खेल खेला है वो थोड़ा सा हजम करना मुश्किल होता है। और मैं आज चाहती हूँ कि आप लोग भी इस फिल्म को देखें कि आप लोग एंजॉय जरूर करोगे फिल्म को, मगर इस रिस्क पे देखिएगा कि उसका कुछ इम्पैक्ट अपने बच्चों पे ना ऐसा पड़े कि उनको ये ना लगे कि, क्योंकि ऑलरेडी यूथ के लिए बहुत कुछ ऐसा है वर्ल्ड में कि जो जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, अगर इस फिल्म को देख के उनको ये लगने लग जाए कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम शादी से पहले शादी के बाद हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड यूथ बन के रह जाए, सिर्फ अपने बारे में ही सोचे कि मुझे क्या करना है, मेरे घर वाले जाए भाड़ में, वो जाए भाड़ में, उसका रिलेशनशिप जाए भाड़ में, मुझे क्या करना है मेरी लाइफ में, मुझे क्या, बस मुझे वही सोचना है, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो इस थॉट को माइंड में रखे कि हम क्या मैसेज देंगे अपने बच्चों को, फिर ही अपने बच्चों को इस फिल्म को देखाने के लिए लेके जाए। वैसे तो आजकल बच्चे अडल्ट है, खुद ही इस फिल्म को देख लेंगे क्योंकि फिल्म में जो यूथ को जो उन्होंने दिखाया है, नए मॉडर्न यूथ को, वो कुछ वैसा ही दिखाया जैसा शायद यूथ होता होगा। तो ये चीजें हैं फिल्म में। तो हंगरी स्पिरिट्स की तरफ से मैं इस फिल्म को देती हूँ 3 स्टार। अगली फिल्म के साथ फिर आऊंगी अगले फ्राइडे को, तब तक कीप वॉचिंग हंगरी स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.